धरती पर मौजूद 10 ऐसी अद्भुत जगह हैं जिन्हें देखने के लिए नसीब लगता है जनाब जिंदगी में एक बार जरूर देखना। दोस्तों हमारी धरती बहुत ही सुंदर है, परंतु यह धरती भी अपने भीतर कई सारे राज छुपाए हुए बैठी है। ऐसी कई बातें हैं जो कि हम इंसानों को समझ में तो आती हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ से बिल्कुल ही परे होती हैं। इसके साथ ही यह प्रकृति कई बार हमें ऐसे ऐसे नज़ारे भी दिखाती हैं जिन्हें देखकर अपनी आंखों देखी पर भी यकीन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इन्फो पर। आज हम आपको धरती पर मौजूद 10 ऐसी अद्भुत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन जगहों को देखकर अपनी आंखों देखी पर भी यकीन नहीं होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। नंबर 1, रेनबो माउंटेन। दोस्तों यह खूबसूरत जगह चीन देश के जांग्याडांग केसिया प्रांत में स्थित है। दोस्तों यहाँ मौजूद इन रंग बिरंगे पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पहाड़ों पर पेंटिंग की गई हो, लेकिन आपको बता दूं कि ये पेंटिंग नहीं है बल्कि प्राकृतिक रूप से बनी हुई सतरंगी पहाड़ी है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पहाड़ियाँ हिमाचल पर्वत से संगठन पहले ही है। चीन में कैरेटेज सिल्स्टोन और सिल्स्टोन के गठन से बना हुआ है। इन पहाड़ियों के रेत और आयरन व ट्रेयर्स जैसे खनिज के साथ जमा हुआ है, जिस वजह से मुख्य रूप से लाल रंग का दिखाई देता है, जो कि बेहद ही आकर्षणीय और अद्भुत मालूम होता है। इस नज़ारे को देखने के लिए हर साल लगभग लाखों पर्यटक चीन आते हैं। नंबर 2, एंटीलोग कैनियन। दोस्तों आपने बचपन में सैमसंग के कीपैड फोन में कभी न कभी जरूर इस एंटीलोग कैनियन के पिक्चर को जरूर देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही पिक्चर है जो सैमसंग फोन के वॉलपेपर में आता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका की एरिजोना के पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। यह जगह बेहद ही अनोखी है। दरअसल एक समय में यह बहुत बड़ी घाटी हुआ करती थी जिसमें यहाँ पानी हुआ करता था, जिस वजह से यह कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अब यहाँ का पानी बिल्कुल ही सूख चुका है, जिस वजह से यह जगह एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। दोस्तों दोपहर के समय जब इस घाटी में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो यह देखने में काफी आकर्षित एवं बहुत ही रहस्यमय दिखाई देता है। 120 फीट वाली गहराई वाली को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता है, जिसे देखने के लिए कोई भी 1 लाख से भी ज्यादा पर्यटक यहां पर प्रतिदिन आते हैं। नंबर 3, अंडर वाटर वाटरफॉल। दोस्तों अब तक आपने वाटरफॉल को सिर्फ जमीन के ऊपर बहते देखा होगा, परंतु हम जिस वाटरफॉल की बात कर रहे हैं ना, जिसे देखकर आप यही कहोगे कि कुदरत का करिश्मा भी यार कमाल का होता है। जी हाँ दोस्तों, मॉडरीज के पास एक ऐसा वाटरफॉल है जो कि जमीन के ऊपर ना होकर समुद्र के नीचे है। है ना चौंका देने वाली बात, एक वाटरफॉल वो भी समुद्र के अंदर। तो यार इस बात पे वीडियो को एक लाइक कर दो यार। तो हाँ, इस वाटरफॉल को ऊपर से देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सिर्फ एक आंखों का धोखा है। जी हाँ, पानी के नीचे बहने वाली रेत की वजह से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वह वाटरफॉल समुन्द्र के नीचे है। पर कुछ भी कहो, ये देखने में बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय लगता है। नंबर 4, माउंटेन पिलर्स। दोस्तों आपने पहाड़ों को तो देखा ही होगा जो कि दिखने में काफी बड़े और छोटे नजर आते हैं, साथ ही यह काफी क्षेत्रों में फैले नजर आते हैं। लेकिन आज हम जिन पहाड़ों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, शायद ही आपने इन पहाड़ों के बारे में पहले कभी सुना भी होगा। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं चीन नेशनल पार्क के बारे में। जी हाँ, जहाँ पर अजीबो तरह के पहाड़ पाए जाते हैं जिनको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह ऐसे पहाड़ हैं जिनकी लंबाई तो और पहाड़ों से अधिक है, लेकिन इनके चौड़ाई अन्य पहाड़ों से बहुत ही कम होती है। यह देखने में एक ऊंची बिल्डिंग की तरह नजर आते हैं। आपको जरूर इन पहाड़ों को देखकर हॉलीवुड की अवतार मूवी की याद आ रही होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मूवी के डायरेक्टर इन माउंटेन पिलर्स को देखकर ही हॉलीवुड की अवतार मूवी में फ्लोटिंग माउंटेन बनाने का आइडिया आया था। दोस्तों इन पहाड़ों का सफर करने के लिए केबल लाइन का प्रयोग किया जाता है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी केबल लाइन है। बहुत सारे लोग इस जगह को देखने के लिए भी आते हैं, लेकिन कुछ बहादुर और हिम्मत वाले लोग ही इन केबल लाइन की सहायता से इन नज़ारों को देख पाते हैं। नंबर 5, रेनबो रिवर।
नदियों की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बहता पानी, झरना, कुछ इस प्रकार की इमेजिनेशन या फिर बातें आती हैं। लेकिन कभी आपने रेनबो रिवर के बारे में सुना है या आपने कभी उसे देखा है? अगर नहीं तो इस वीडियो में आप देख लीजिए। यह नदी कोलंबिया में स्थित है। यह पूरे विश्व में अपने रंग बिरंगे कलर के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस नदी में फंगल, बैक्टीरिया और कुछ अन्य प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण इस नदी का कलर ऐसा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नदी का पानी भी अन्य नदियों की तरह ही सामान्य होता है, लेकिन पानी के अंदर लगे छोटे पौधे वातावरण में बदलाव होने के कारण अपना कलर बदलती रहती है, जिसके कारण नदी का पानी ऊपर से दिखने में रंग बिरंगी लगती है। इन्हीं सभी के कारण इस नदी का नाम भी रेनबो नदी कहे जाने लगा। नंबर 6, मार्बल केव्स। वीडियो में अब तक आपने कई तरह की गुफाओं के बारे में देखा और सुना भी होगा, परंतु अब हम जिस केव्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सबसे अद्भुत और अविश्वसनीय है। यह गुफा मार्बल केव्स के नाम से मशहूर और देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। इसके साथ ही पानी में रहने से इन पत्थरों पर अलग अलग प्रकार के रंगों के शेड्स बन गए हैं। पर सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यह सभी डिजाइन प्राकृतिक रूप से बनाए गए हैं भाई, और यह डिजाइन इसमें बह रहे पानी और चल रही हवाओं से बने। इस गुफा की कई खास बात यह भी है कि बाहर से पानी के मुकाबले अंदर के पानी का तापमान बहुत ही कम होता है। सच में है ना चौंका देने वाली बात, प्राकृतिक द्वारा इतनी मजबूत पत्थर को काट कर इतना शानदार डिजाइन बनाने का हुनर सच में कमाल का है भाई। नंबर 7, फिंगल केव्स। यह फिंगल केव्स 100 साल पुराना है, साथ ही यह आज के समय में बेस्ट टूरिस्ट प्लेस भी है। जी हाँ दोस्तों, यह फिंगल केव्स स्कॉटलैंड के आइलैंड के पास स्थित है, जो कि इसकी डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार की है, जिसे देखकर आज के आर्किटेक्चर और कारीगर भी हैरान है। यह केव्स पूरी तरीके से प्रकृति द्वारा बनाया गया है। इस केव्स का आकार वोल्केनो के इरक्शन से बना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन भाई यह सच है। इस केव्स की एक खास बात यह भी है कि इसके अंदर से जब हवाएं गुजरती हैं तो इसमें से बहुत ही सुरीली आवाज सुनाई पड़ती है। नंबर 8, आइस केव्स। दोस्तों, क्या कभी आपने बर्फ की गुफा देखी है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बर्फ की गुफा की एक रोचक सफर की ओर लेकर चलते हैं। यह एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। दोस्तों, यह बर्फ की गुफा आइसलैंड में मौजूद है। इस गुफा की लंबाई 340 फीट से भी ज्यादा है। यह गुफा ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ बर्फ से ही बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है, जिस वजह से यहाँ पर पर्यटक बहुत ही कम समय बिता पाते हैं। इस गुफा का रंग सूरज की रोशनी के साथ साथ बदलता रहता है। कभी एकदम सफेद दिखाई देता है तो कभी एकदम नीला पड़ जाता है, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए आइसलैंड पहुँचते हैं। वैसे क्या आप जाने वाले हैं या फिर नहीं, हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 9, वेटोमो केव्स। न्यूजीलैंड में स्थित वेटोमो केव्स की खूबसूरती देखने लायक है। इस केव्स के अंदर से नदी बहती है। इस केव्स की असली खूबसूरती इसकी छत है। यह गुफाएं यहाँ पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के लाखों जुगनू के प्रकाश से चमकती है। इस गुफाओं के बीच में से नदी गुजरती है। जब यह नदी इन जुगनू प्रकाश से रिफ्लेक्ट करती है तो यह नजारा देखने लायक होता है। करीब 3 करोड़ साल पहले यह केव्स समुद्र के भीतर थे। काले अंधेरे गुफाओं में चमकते यह रोशनी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आसमान में तारे झिलमिला रहे हों। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। नंबर 10, स्कोट्रा आइलैंड। इसे धरती की सबसे अजीबो गरीब जगह कहा जा सकता है। यहाँ पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। इसे अक्सर पृथ्वी के सबसे ज्यादा प्रग्रही दिखने वाले जगह के रूप में वर्णित किया गया है। यह यमन के अरब और हिंद महासागर के बीच में छोटा सा द्वीप है। कई सालों से लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। यहाँ के पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु, चट्टाने, सब कुछ ऐसे हैं जो कि दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते। पेड़ ऐसे दिखाई
दिखाई देते हैं जैसे उल्टे लटके हों। इस द्वीप पर करीब 44,000 लोग रहते हैं। इन लोगों की परंपराएं भी बिल्कुल अजीबोगरीब हैं। बीमारियों और मुसीबतों के यह लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। हालांकि धीरे धीरे यहाँ के लोग भी यहाँ के आने वाले टूरिस्ट की वजह से इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं है कि यह जगह धरती के बाकी जगहों से इतनी अजीब क्यों है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको धरती पर मौजूद ऐसी 10 अद्भुत जगहों के बारे में बताया है, जिन जगहों को देखकर आपको अपनी आंखों देखी पर भी यकीन नहीं हुआ होगा। आप चाहें तो हमें कमेंट करके आप अपने पसंदीदा जगह के बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो हमें कॉमेंट में बताना ना भूलें। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।